हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल्ड। आज के इस लेक्चर में एक्सक्लूसिव और नैंड और नॉर गेट पढ़ेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें ताकि आप इस लेक्चर को बेहतर समझ सकें, क्योंकि ये दोनों लेक्चर जुड़े हुए हैं। इस लेक्चर का जो बेसिक चीज है वो सारा इसके पहले लेक्चर में ही बताया गया है, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे जब आपने इसके पहले लेक्चर को अच्छे से देखा हो, समझा। तो देखते हैं इसमें से सबसे पहले एक्सक्लूसिव और। देखिए, जो एक्सक्लूसिव और गेट है इसको हम जनरली एक्सओआर गेट कहते हैं। ये बेसिकली दो इनपुट और एक आउटपुट गेट है, लेकिन जब इसमें दो से ज्यादा इनपुट किए जाते हैं तब ये क्या हो जाता है कि मोर देन टू एक्सओआर गेट की तरह बिहेव करता है। कैसे? जैसे इसको हम पहले टू इनपुट से देखते हैं। टू इनपुट में अगर हम बात करें तो मान लीजिए जैसे हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल इनपुट वेरिएबल्स हैं, जिसमें एक्स और गेट या एक्स और प्रक्रिया होके हमें वाई आउटपुट मिलता है। तो हम कहेंगे वाई इज इक्वल टू ए एक्स और बी, या फिर इसका और भी जो सिंपली फाइड फॉर्म होगा वो होगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, अब इसका अगर हम जनरली यहाँ पे देखेंगे किस तरह से उसकी जो संरचना है वो क्या है, वो इस तरह से देखें। ये अगर हम देखें तो ये जस्ट ये और गेट की तरह है, अगर यहाँ पे ये संरचना अलग से न जुड़ी होती और ये जो इनपुट्स हैं ये सीधे सीधे इसमें इसमें जुड़े होते। ठीक है, तो ये इसकी संरचना जिसमें दो इनपुट ए और बी लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो इनपुट हैं, जहां पर हमें ये जीरो, देखिए क्या हो रहा है कि जब जीरो और जीरो होगा तब यहाँ पे हमें ये जीरो प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे ये जीरो और वन है तो यहाँ पे हमें वन प्रोवाइड करेगा, यदि यहाँ पे ये वन और जीरो है तो वन होगा, और यदि यहाँ पे वन और वन है तो जीरो मिलेगा हमें। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे देखिए सेम सेम इनपुट है, मतलब जीरो जीरो, तो हमें यहाँ पे जीरो भी मिल रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंट इनपुट है जीरो वन या वन जीरो, तो हमें वन मिल रहा है। मतलब सेम इनपुट में हमें एक्सओआर गेट जीरो प्रोवाइड करता है और डिफरेंट इनपुट में हमें एक्सओआर गेट वन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए तो ये गेट अगर दो से ज्यादा इनपुट के लिए अगर काम करता है, तब मैंने बताया था कि ये मल्टीपल एक्सओआर की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए बी सी और डी ये चार गेट हैं, ओके, और चार इनपुट है इसमें। अब चार इनपुट पे मैंने अब देखें तो ये क्या करेगा कि दो दो इनपुट के दो गेटों की तरह काम करेगा। तो होगा क्या, देखिए जैसे अब यहाँ पे ये जीरो जीरो का कॉम्बिनेशन देखें आप और इस जीरो जीरो का, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर हम अब यहाँ पे देखें तो देखिए ये क्या करेगा, जीरो जीरो का कॉम्बिनेशन, तो फाइनली हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये जीरो। अब अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें यहाँ पे तो जीरो और वन, तो ये क्या देगा हमें, ये टू के हिसाब से, टू इनपुट के हिसाब से हमें वन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ का जीरो और यहाँ का ये वन, ये क्या हमें दे देगा, फाइनली वन दे देगा। इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पे वन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें तो ये जीरो जीरो क्या प्रोवाइड करेगा हमें, जीरो प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ का ये जीरो और वन क्या प्रोवाइड कर देगा हमें, डिफरेंट है तो वन प्रोवाइड कर देगा, और ये वन और यहाँ का ये जीरो, फाइनली जीरो वन क्या देगा, वन दे देगा। ओके, अब यहाँ पर आप इसको देखें, देखिए तो यहाँ पे जीरो जीरो है, तो मतलब क्या हुआ कि सेम इनपुट मतलब जीरो, यहाँ पर वन वन है, सेम इनपुट क्या देगा, ये टू टू के हिसाब से, दो इनपुट के हिसाब से जीरो देगा, और जीरो सेम इनपुट, तो हमें यहाँ क्या दे देगा, ये जीरो दे देगा। ओके, तो इसी तरह से इसके आगे वाले जो भी कॉम्बिनेशन है वो सारा इसी तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसको देखें हम, इसको देखिए यहाँ पे जीरो और वन, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें टू इनपुट के हिसाब से, ये डिफरेंट है चूंकि वन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे जीरो और वन, ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, दो इनपुट के हिसाब से वन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ का वन और यहाँ का वन, अब इन दोनों की और ही हो जाएगी एक्सओआर होगा, तो ये क्या है, अब सेम सेम हो गया इनपुट, ये इसका इनपुट सेम, इसका इनपुट सेम, तो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, ये जीरो प्रोवाइड
कर देगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको, अगर दो से ज्यादा इनपुट है तो डबल एक्स और की तरह यहाँ पे हम इसको देखेंगे, और उसी तरह से इसका जो आउटपुट होगा हमें उस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, अगर हमें तीन वेरिएबल पे या फिर चार वेरिएबल पे बनाना है उनका, तो इनका जो फिगर है वो इस तरह से हम सर्किट इनका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तीन के लिए, चार के लिए, ये इस तरह से हमने वहां भी और के लिए और नैंड के लिए, एंड के लिए वहां पे दिखाया था। अच्छा, तो ये था। और यहाँ पे देखिए, अगर इसका यूज हम यहाँ पे नॉट की तरह करते हैं, तो नॉट की तरह हम इस तरह से करेंगे। तो ये है इसका प्रयोग नॉट की तरह की, नॉट की तरह भी हम इसको प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नैंड गेट। तो जो अपना नैंड गेट है, देखिए इसको अगर हम इस एन को हटा दें, इसके जो पहले लगा है और इतने को पढ़े, तो ये है कि दिया एंड। ओके, इसके पहले एन लगा दिया गया तो ये हो गया नैंड। इसका मतलब कि ये उससे कुछ ना कुछ क्या रिलेटेड होगा। क्या है कि अगर एंड गेट के आगे हम नॉट गेट लगा दें तब ये हो जाता है नैंड गेट, और जो नॉट गेट है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करता था, कंप्लीमेंट प्रोवाइड करता था। मतलब जीरो का वन, वन का जीरो, एक्स का एक्स डैश और एक्स डैश का एक्स, तो ये कम्बिनेशन इस तरह से वो प्रोवाइड करता था। अब इसी प्रकार से यदि हम नैंड गेट की बात करें, तो नैंड गेट में यदि हम दो इनपुट लें और दो इनपुट में हम अगर उसका नैंड निकालना चाहते हैं, तो यदि हम एंड निकालें और एंड का क्या कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो हमें नैंड मिल जाएगा। मतलब अगर हमारे पास एक्स और वाई दो इनपुट हैं, अगर हमें उनका एंड निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ए एंड बी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो इनपुट हैं और हमें वाई आउटपुट मिल रहा है, तो इस केस पे यदि हमें एंड निकालना है तो हम करेंगे वाई इज इक्वल टू ए एंड बी। लेकिन अगर हमें इसका नैंड करना है, तो चूंकि जो नैंड है वो एंड का क्या है, नॉट है, तो इसलिए हम क्या निकाल दें, इसका कंप्लीमेंट निकाल दें। तो जैसे ही हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, नैंड मिल जाएगा। ओके, तो इस केस पे यदि मान लीजिए दो इनपुट है, तो दो इनपुट में ए एंड बी और उन पूरे का क्या निकाल दें, बार कर दें, मतलब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, या फिर आगे जो भी हम तीन इनपुट, चार इनपुट या जो भी और भी इनपुट हम चाह रहे हैं, उस इनपुट का हम जो चाहे जिस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो फिगर है वो इस तरह से हो, जैसे मैंने बताया कि एंड और एंड के आगे क्या लगा दिया गया, नॉट गेट लगा दिया गया, तो ये नैंड बन गया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो इसके आगे हम एंड के आगे जस्ट बबल लगा दें तो ये बन जाएगा नैंड गेट। ओके, एंड इसका आउटपुट क्या होगा, ए एंड बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पर अब चूंकि देखिए ये क्या है कि जस्ट उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल को याद करें, तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल में हमें पता था कि अगर सारे कॉम्बिनेशन वन है तभी आउटपुट हमें वन मिलता था, अदरवाइज अगर कॉम्बिनेशन जीरो है या फिर कोई भी जीरो है उन कॉम्बिनेशन में से, तब हमें आउटपुट मिलता था जीरो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नैंड की, तो नैंड उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जहां जहां पर हमें आउटपुट मिलता था जीरो, वहां वहां पर मिलने वाला है वन, एंड जहां पर हमें मिलता था वहां पर वन, यहां पर मिलने वाला है हमें जीरो। तो अगर हम ध्यान रखें एंड गेट की ट्रुथ टेबल को, तो हमें पता है कि हम जीरो जीरो का क्या मिलता था हमें जीरो, तो नैंड के केस में क्या मिलने लगेगा, वन। ओके, इसी प्रकार से जीरो वन में क्या मिलता था वहां हमें, जीरो मिलता था, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन। इस प्रकार से वन जीरो का वहां क्या मिलता था हमें, जीरो मिलता था, तो भी हमें यहाँ
वन मिल जाएगा, और वन वन का वहां मिलता था वन, तो यहाँ मिल जाएगा हमें जीरो। इसी प्रकार से अगर हम बात करें और भी कम्बिनेशंस की, तीन इनपुट की, चार इनपुट की, तो सारे हम जितने भी इनपुट चाहे हम देखे इस प्रकार से इसका नैंड निकाल सकते हैं। तो ये था अपना कौन सा नैंड गेट। ओके, अब हम देखते हैं नॉर गेट। ओके, तो नॉर में यहाँ पर हम यदि इतने को देखें तो ये है और के आगे लगा दिया गया एंड, तो बन गया नॉर। ओके, तो यहाँ पर हम जनरली ये देखें कि जो अपना और गेट था उस और गेट के आगे लगा दिया गया है नॉट गेट, तो ये बन गया है नॉर गेट। तो जनरली यहां पर अगर हम इसका वो देखें तो ये देखिए, ये यहां पर क्या किया गया है कि जो अपना अगर यहां पे हम और निकालते ए और बी इनपुट का जिसका कि आउटपुट वाई है, तो हम लिखते वाई इज इक्वल टू ए और बी। ओके, अब ए और बी करते, लेकिन हमें पता है कि ये है नॉर, तो नॉर का मतलब इसके आगे लग गया है नॉट, तो ये क्या देगा हमें, कॉम्प्लीमेंट देगा, तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट देगा किसका, और का। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा नॉर गेट। अब नॉर गेट कि यदि हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसमें भी जनरली हम दो इनपुट या फिर दो से अधिक इनपुट जो भी हम चाहें अपने अकॉर्डिंग जो आवश्यकता है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें, इसका ये फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा, सर्किट इसका इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ये हो गया और गेट और इसके आगे हमने लगा दिया नॉट गेट, तो ये बन गया नॉर गेट। अब यहाँ पर अगर हम ये नॉट इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो हम जस्ट इसके यहाँ बबल लगा के भी इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हम अगर और गेट की टेबल को दिमाग में रखें तो हमें वहां पे पता था कि अगर दिए गए इनपुट कॉम्बिनेशन में से अगर कोई भी इनपुट वहां पे वन होता था तब हमें और गेट के केस में आउटपुट जो मिलता था वो वन मिलता था। तो यहाँ पे उसका जस्ट हो जाएगा क्या, अपोजिट, उल्टा हो जाएगा। मतलब सारे अगर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जीरो है तब हमें वन मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सारे कॉम्बिनेशन जीरो होने पर ही जीरो मिलता था हमें, लेकिन यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन जीरो होने पर हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और अगर कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे वन है कॉम्बिनेशन में तब हमें वहां पे जीरो मिलेगा। तो जीरो जीरो का वन हो जाएगा, जीरो वन का जीरो, वन जीरो का जीरो, इसके बाद आगे वन वन का जीरो। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये जो भी नॉर गेट है इसकी ट्रुथ टेबल और इसका हमें पता चल रहा है। तो हमने अभी इसमें पढ़ा एक्सओआर गेट, फिर पढ़ा हमने नैंड गेट, और फिर पढ़ा हमने नॉर गेट। तो ये तीन चीजें हमने, ये तीन टॉपिक पढ़े। इसके बाद में एक यहाँ पे है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब देखिए एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, अभी हमने एक्सओआर गेट पढ़ा था, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव और पढ़ा था। तो एक्सक्लूसिव और में हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर वाई बराबर, मतलब अगर वाई यहाँ पे आउटपुट है और यहां पर ए और बी इनपुट है, तो हमने पढ़ा था कि ए एक्स और बी, ये पढ़ा था। ओके, अब हमने ये पढ़ा था और अगर इसका हम क्या कर दें, नॉट कर दें, तो हमें मिल जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो सिंपली वही किया गया है यहाँ पर। तो इसमें भी अगर दो इनपुट हैं और दो इनपुट के हिसाब से हमें वाई आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें इसका क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और इस तरह से हम इसका ये फिगर ड्रा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बबल लगा दिया। और इसकी ट्रुथ टेबल में हमें पता था वहां पे कि जब डिफरेंट होता था वहां पे, तो डिफरेंट के केस में हमें क्या मिलता था, वहां पे वन मिलता था, बाकी में जीरो मिलता था। तो यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, जब सेम सेम होगा
इनपुट, तब हमें वहां पे यहाँ पे 1 मिलने लगेगा, और जब यहाँ पे डिफरेंट होगा तब यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। इस प्रकार से ये वाला गेट होगा एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें 4 गेट देखे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।